Hello everyone, myself Soumendra Sharma, and now we continue. Our next question is, find the following squares by using the identity. Identity को use करके हमको इसके क्या find करने बेटा, squares find करने. अब squares की एक identity, दो identity हमने पढ़ी हैं, ठीक है? Identity कौन सी बेटा? एक तो a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus के 2ab. Clear है? और second identity a minus b का whole square is equal to a square plus b square minus k 2ab. ये स्क्वायर्स की टू आइडेंटिटी है मैग्निट्यूड रूप से, ठीक है? तो बस बेटा यूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज b माइनस सेवन का होल स्क्वायर, ठीक है? नहीं है सूटेबल आइडेंटिटी. सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस b के फॉर्म में, a माइनस b का. तो कौन सी बेटा? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है बेटा? a की वैल्यू क्या है बेटा? b, तो राइट करो. सो ए की वैल्यू तो क्या है बेटा? बी, तो बी का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो सेवन, वेरी गुड, सेवन का स्क्वायर माइनस, यस बेटा बोलो, टू का टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बेटा बी, एंड बी इज इक्वल टू बेटा सेवन, तो टोटल इज बेटा बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर बेटा 49 माइनस सेवन टू जा 14b. क्लियर है बेटा? ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. और सेकंड क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई प्लस के थ्री जेड इज इक्वल टू का होल स्क्वायर टोटल. तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी होगी? ये कंप्लीट ए, ये प्लस, ये कंप्लीट बी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी हमारे पास टू है ना, एक तो ये रही, एक आइडेंटिटी हमारे पास ये रही, ठीक है? तो सूटेबल आइडेंटिटी क्या आएगी बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए. ए की वैल्यू क्या है बेटा? तो सो ए की वैल्यू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा? थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस का प्लस टू. ए की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्स वाई, एक्स वाई, और b की वैल्यू बेटा 3z. हाँ जी बेटा बोलो, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9, और z का स्क्वायर बेटा z स्क्वायर प्लस का प्लस मल्टीप्लाई करो तो बेटा, तो ये x है बेटा ना, x है, मल्टीप्लाई करो तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म 3 और 2, 3 टू जा 6, फिर x का x ही है, y का y है, और z का ये हमारा क्या है बेटा? आंसर है. कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे बेटा? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस के 5y का होल स्क्वायर. ये दे रखा है ना, सूटेबल आइडेंटिटी माइनस वाली है, तो माइनस वाली a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. कंपेयर करके बताते हैं तो बेटा ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? कंप्लीट वैल्यू होगी 6x स्क्वायर. ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? कंप्लीट, वेरी गुड. ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 6x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर. ये कंप्लीट ए है बेटा, स्क्वायर आ रहा है ना, ये मत सोचना स्क्वायर आ रहा है तो इसमें कोई नई आइडेंटिटी लगेगी, नहीं, स्क्वायर आ रहा है तो कंप्लीट को ए मानेंगे, फिर नेक्स्ट है प्लस का प्लस, ठीक है? 6x स्क्वायर, ठीक है? अब देखो बेटा ए स्क्वायर की जगह तो बेटा आपने रख दिया, 6x स्क्वायर हो गया एज इट इज पूरी वैल्यू है. उसके बाद प्लस का प्लस, बी की जगह क्या है बेटा? 5y, एज इट इज राइट करना है 5y, ठीक है ना? तो 5y का स्क्वायर, माइनस का माइनस है ही, ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में माइनस है. फिर 2 का 2, ए का मीन्स क्या है बेटा? ए का मीन्स क्या है बेटा? 6x स्क्वायर, वेरी गुड, और मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, और बी का मीन्स क्या है बेटा? 5y. यस बेटा मल्टीप्लाई करते थे बेटा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, फिर एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि x की पावर कितनी होगी बेटा? 4, प्लस 5 का स्क्वायर बेटा 25, और y का स्क्वायर बेटा y स्क्वायर माइनस. अब बेटा देखो 2 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12, माइनस का एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 6 12, 12 5 का 12 5 का 16, ठीक है? अब x स्क्वायर आता है x स्क्वायर और y के 5, यही हमारा क्या है बेटा? आंसर, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, फोर्थ क्वेश्चन. देखो बेटा क्वेश्चन हम क्या दे रखा है,
बेटा फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर है, यानी ये पूरी टर्म्स क्या हो गए बेटा a, और ये कंप्लीट टर्म्स क्या हो गए बेटा b। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो बेटा यानी कंप्लीट देखो ना बेटा, a इज इक्वल टू तो हमारे पास हो गया 2xy और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया बेटा 5y। ठीक है बेटा, बस राइट करना है हमको इस आइडेंटिटी में, एक ही जगह राइट करो बेटा, क्या आएगा 2xy का टोटल का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 5y टोटल का होल स्क्वायर प्लस 2 a का मीन्स 2xy और मल्टीप्लाई 5y। तो बेटा करो 2 का स्क्वायर सेपरेट सेपरेट देंगे, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, x का स्क्वायर बेटा x स्क्वायर और y का स्क्वायर बेटा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 न्यूमेरिकल, फिर वैल्यू x का x और y, y और y क्या हो गया बेटा y स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।